इस कहानी में हम देखेंगे कि एक टीचर अपने ही स्कूल के स्टूडेंट के साथ अनजाने में सो जाती है और उसे ये नहीं पता कि ये लड़का मेरे ही स्कूल में पढ़ता है। लेकिन यहाँ पे लड़के को सब कुछ पता है, पर इसका अंजाम अंत में क्या होता है चलो देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, एक्सप्लेन गुरु हियर। टुडे आई एम गोना टू एक्सप्लेन द मूवी कॉल्ड स्लीपिंग विथ माय स्टूडेंट जो 2019 में रिलीज हुई थी। सो लेट्स स्टार्ट। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 2002 का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि कार में एक कपल फाइट कर रहे हैं और पीछे बैक सीट पे उनका बेबी रो रहा है। यहाँ पे जून नाम की महिला अपने फ्रैंक नाम के पति से बस इसलिए झगड़ रही है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका पति किसी और लेडी के चक्कर में है। उन दोनों के बीच झगड़ा इस कदर हुआ कि उस कार के एक्सीडेंट हो जाती है जिसके वजह से फिलिक्स वहीं पे मर जाता है। उसके बाद सीन सीधा 17 साल बाद शिफ्ट होती है जहाँ पे हम एक होटल के कमरे में तीन फीमेल्स को देखते हैं जहाँ पे एक का नाम कैथी, मैगमा और स्टेसी है। फिलहाल यहाँ पे कैथी अपने स्कूल के प्रिंसिपल बन गई है इसलिए वो अपने वीकेंड एंजॉय कर रही है। कैथी अपने बारे में बताती है कि वो एक सिंगल मदर है जो कि अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेके अपनी एक बेटी के साथ रहती है। वो सब बातें कर ही रहे हैं पर तभी उन्हें महसूस होता है कि कमरे की एसी वर्क नहीं कर रही है, इसलिए वो होटल के स्टाफ को सर्विस के लिए बुलाते हैं। उसके बाद कमरे में एक हैंडसम लड़का जिसका नाम यान है वो मेंटेनेंस के लिए आता है। यहाँ पे सारी फीमेल्स उस पे चांस मारने लगती है पर उन लोगों को नहीं पता कि फिलहाल 15 ही साल का है। उसके बाद कैथी अपना सेक्सी सा ड्रेस पहन के स्विमिंग करने जाती है। हालांकि सिंगल मदर होने के बाद भी कैथी काफी फिट दिख रही है और यहाँ पे वही लड़का यान आता है और वो कैथी से बातें करने लगता है। यहाँ पे यान चाहता है कि कैसे भी कैथी उसके बाहों में आ जाए पर उसके ये सारे ट्रिक उस पे वर्क नहीं करती। उसके बाद वो पुल में चला जाता है और वो कैथी को भी ज्वाइन करने के लिए कहता है। यहाँ पे कैथी उसे ज्वाइन करने के लिए मना कर देती है। उसके बाद यान पानी में बैठ के ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे कि वो डूब रहा है, इसलिए कैथी जल्दी से जाके उसे बचाती है। तब यान कहता है कि वो बस अपने बाल धो रहा था। यान कैथी को कहता है कि तुम बहुत हॉट हो। उसके बाद यान कैथी को लेके उसके कमरे में चला जाता है और वो उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है पर यहाँ पे कैथी उसे कहती है कि मुझे किसी यंग लड़के के साथ हुकअप करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसकी बातों का कोई मोल नहीं रहता जब यान उसे टच करने लगता है और वह खुद को भी ऐसा करवाने से रोक नहीं पाती। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह में जब कैथी की नींद खुलती है तब तक वहाँ से यान जा चुका है पर उसने कैथी के लिए एक लेटर और फ्लावर छोड़ा है। उसके बाद हमें यान के बारे में पता चलता है कि वह इस होटल में काम नहीं करता है और वो बस अपने दोस्त की जगह पे एक दिन के लिए काम करने आया था। उसके बाद हम यान के हाथ में कैथी की बेटी ब्रियन की फोटो को देखते हैं और यहाँ पर यान कह रहा है कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। वो अपने मम्मी और स्टेप फादर के साथ रहता है जहाँ पे उसके पापा से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती क्योंकि उसके पापा एक ड्रग डीलर हैं। यान अपनी मम्मी से मिलता है जो कि अक्सर बीमार रहती है। वो अपनी मम्मी का बहुत ही ख्याल रखता है और उसे बहुत प्यार करता है। उसके बाद हम कैथी को देखते हैं जो कि अपने घर वापस लौटती है और वहीं उसके घर पे हम उसकी बेटी ब्री को देखते हैं। आज कैथी का स्कूल में एज अ प्रिंसिपल पहला दिन है और उसके साथ उसकी बेटी ब्री भी जाने वाली है। उसके बाद हमें ब्री के बारे में पता चलता है कि वो बहुत ही इंट्रोवर्ट है और पिछले स्कूल में इसी की वजह से उसके कोई भी दोस्त नहीं रही है और बाकी के बच्चे लोग उसको बुली किया करते थे। उसके बाद वह दोनों माँ बेटी स्कूल पहुँचते हैं। यहाँ कैथी अचानक से यान को देखती है और वह चौंक जाती है पर थोड़ी देर में वह उसके नजरों से ओझल हो जाता है। कैथी को ऐसा लगता है कि वह उसके आंखों का धोखा है और वह कोई और लड़का होगा जो उसी की तरह दिखता होगा। उसके बाद कैथी अपने ऑफिस में आती है और ब्री अपने नई क्लास जाती है। तभी क्लास में एंट्री होती है यान की। यहाँ पे यान का भी स्कूल में आज पहला दिन है। वह सीधे ब्री के पास आता है और उससे बातें करने लगता है। उसके बाद लंच के दौरान जब कुछ स्टूडेंट्स मिलकर ब्री को बुली कर रहे थे तब वहाँ पे आके यान उसकी साइड लेता है और इसी तरह उन दोनों के बीच दोस्ती बढ़ जाती है। अब अगले दिन यान ब्री के साथ क्लास में इंटर होता है और तभी क्लास में कैथी भी मौजूद है। वह यान को देख के शॉक हो जाती है क्योंकि उसने यान के साथ हुकअप किया था और वह लड़का उसकी बेटी के साथ भी है। उसके बाद कैथी अपने ऑफिस में आती है और एक स्टाफ से यान के बारे में पूछती है। तब वह बताती है कि यान काफी डेंजरस लड़का है और उसकी प्रीवियस रिकॉर्ड बहुत ही खराब थी। यहाँ पे कैथी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वह यान को कैसे हैंडल करे और वो ऑफिस से सीधा बाहर निकलती है। तभी वो देखती है कि यान ब्री के साथ बैठ के बातें कर रहा है। कैथी जल्दी से ब्री को अपने साथ लेके कार में बैठती है और वो कहती है कि तुम अब यान से कभी नहीं मिलोगी क्योंकि वो अच्छा लड़का नहीं है। यहाँ पे ब्री एक टीनेजर है और वो अपनी मम्मी की बात बिल्कुल भी नहीं मानती
क्योंकि उसकी लाइफ में पहली बार कोई ऐसा लड़का आया है जो उसको पसंद करता है। उसके बाद कैथी अपने एक सस्पेंड और ब्री के पापा को बुलाती है और वो उन दोनों को साथ में कहीं बाहर जाने के लिए कहती है ताकि जो प्रॉब्लम वो फेस कर रही है वो उसका सॉल्यूशन निकाल पाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि यान ब्री को फॉलो करते हुए उसके पास आ जाता है। उसके बाद ब्री अपने पापा को यान से इंट्रोड्यूस कराती है और घर आने के बाद उसके पापा यान के बारे में कैथी को बताते हैं। तब कैथी कहती है कि यान अच्छा लड़का तो नहीं है और उसे कुछ भी आइडिया नहीं है कि वो लड़का एक्चुअल में चाहता क्या है। रात को सोते वक्त कैथी के दिमाग में एक तूफानी आइडिया आता है और वो रात को ही अपने स्कूल में जाती है और वो यान के लॉकर में एक चाकू को रख देती है। और जब अगले दिन क्लास चल रही है तब वो अनाउंसमेंट करवाती है कि सारे बच्चे के लॉकर्स को चेक किया जाए और उसके बाद वही होता है जो कैथी चाहती थी। यान के लॉकर से चाकू निकलती है और उसके बाद उसे कैथी के ऑफिस में बुलाया जाता है। यहाँ पे कैथी उससे पूछती है कि तुम चाहते क्या हो। तब हम यहाँ पे यान के बारे में पता चलता है कि वह कैथी और उसकी बेटी ब्री को सोशल मीडिया के थ्रू पहले से ही जानता था। उसे कैथी के बारे में सब कुछ पता था कि वह कहाँ जा रही है, कहाँ रुक रही है और इसी को फॉलो करते हुए उसने कैथी के साथ जो भी किया वह सब उसका प्लानिंग था। और वह कैथी को वह वीडियो भी दिखाता है जिसे उसने होटल में चुपके से बनाई थी। वीडियो को देखते ही कैथी घबरा जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब यहाँ पे यान उससे कहता है कि मुझे तुरंत $50,000 चाहिए वरना मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। यहाँ पे यान अच्छे से जानता है कि कैथी एक रिस्पेक्टेड पर्सन है और वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे दे दोगी तो मैं ब्री का भी पीछा छोड़ दूंगा। यहाँ पे जैसे भी हो कैथी यान को समझाने की कोशिश करती है लेकिन इसका उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि तुम मुझे जल्दी से पैसे दे दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। उम्र में काफी बड़े होने के कारण कैथी को थोड़ा एक्सपीरियंस है और वो उसे पैसे देने के लिए मना करती है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने उसे पैसे दे भी दिया फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस पर यान कैथी को धमकी देता है और कैथी उसे अपने स्कूल से निकाल देती है। यहाँ पे यान की एक्स जीना भी उसे फॉलो करती है। यान जब अपने घर पे जाता है वह काफी गुस्सा है और उसकी फाइट उसके फादर से हो जाती है और वो अपने स्टेप फादर को चाकू घुसेड़ देता है। यान उसे मारने ही वाला है पर तभी वहाँ पे जीना आ जाती है। यहाँ पे जीना उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से रिलेशनशिप में वापस आना चाहती हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन फिलहाल यान का मूड खराब है और वह उसे धमकाते हुए वहाँ से भगा देता है। उसके बाद यान गुस्से में आता है और अपने स्टेप फादर को मार देता है। उसके बाद यान अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि आप यहीं पे रहना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। यान जल्दी से स्कूल में आता है और वह ब्री को अपने साथ ले लेता है ताकि वह कैथी को उसके जरिए ब्लैकमेल कर सके। तभी कैथी को मालूम होता है कि उसकी बेटी स्कूल में नहीं है और यहाँ पे जीना कहती है कि जब वो यान से मिली थी वो काफी वॉयलेंट था। कैथी जल्दी से ब्री को कॉल करती है लेकिन उसका कॉल यान उठाता है और उसे कहता है कि मुझे पैसे दे दो वरना तुम पछताओगी और अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश की तो तुम अपनी बेटी को भूल जाओ। फिलहाल कैथी काफी परेशान है और वह जल्दी से मेगन को कॉल करती है और उसके बाद वह उसे मिलती है और सारी कहानी एक्सप्लेन करती है और फिर दोनों मिलकर पैसे अरेंज करने लगते हैं। उसके बाद हम यान को देखते हैं जो कि ब्री को लेके कार में कहीं जा रहा है। ब्री उससे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो और इतना रूड क्यों बिहेव कर रहे हो। तब यान उस पर चिल्लाते हुए गन दिखाता है और वह ब्री से कहता है कि तुम्हारी मम्मी बहुत गंदी है। कहानी के इस मोड़ पे हमें बताया जाता है कि शुरू में जो बच्चा रो रहा था वह यान है और यान के पापा फ्रैंक के अफेयर कैथी के साथ थी जिसके कारण वह प्रेग्नेंट हुई और उसे से ब्री हुई। कुल मिला के देखे तो यान ब्री का भाई है क्योंकि ब्री की मम्मी कैथी का अफेयर यान के पापा फ्रैंक से था जिसके कारण उन दोनों की फैमिली में दरारें आई और अंत में उनका एक्सीडेंट हुआ जिसमें यान के पापा मर गए जिसकी वजह से उसकी मम्मी भी डिप्रेशन में आ गई और इस तरह उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा कहना है यान का। यहाँ पे यान यह भी बताता है कि मैं तुम्हारे मम्मी के साथ सो चुका हूँ जिसके कारण ब्री उसके फेस पे किक मारती है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कैथी मैगम के साथ वहाँ पहुँच चुकी है। उसके बाद कैथी पैसे लेके यान के पास आती है और वह ब्री से माफी मांगती है कि वह यान के साथ सोई थी। यहाँ पे यान उन दोनों को गोली मारने वाला था पर तभी कैथी उसे लेके नीचे गिर जाती है जिसके कारण यान की मौत हो जाती है। यहाँ पे कैथी बच जाती है और कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वह सब फैमिली में हैप्पी है। और उसके बाद हम उधर यान की मम्मी को देखते हैं जो अभी भी यान का इंतजार कर रही है। मूवी हमें इस क्वेश्चन पे छोड़ के जाती है कि आखिरकार इसमें गलती किसकी थी। कुल मिला के ये कहे कि मूवी अपनी स्टोरी को प्रूव करने में नाकाम रही। तो कैसी लगे तुम्हें वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।